आरडीए के कबल बिहार में कर्जा के चलते कई प्लाट बैंक में बंधक हैं। आरडीए की माली हालत खराब से पुरानी कॉलोनियों का मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। वहीं कमल बिहार का विकास कार्य न होने से बसाहट में देरी हो रही है, जहां कार्य हुए उनकी सुरक्षा नहीं हो पा रही है। इन सवालों पर आरडीए के उपाध्यक्ष शिव ठाकुर ने बताया है कि आरडीए बहुत जल्द ही कर्ज मुक्त हो जाएगी और रायपुर विकास प्राधिकरण जल्दी ही कर्ज मुक्त होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी एक बैंक में कर्जा बाकी है, जिसके लिए वन टाइम सेटलमेंट हो चुका है, 18 महीने के अंदर कर्जा मुक्त हो जाएगा। वहीं अभी तक 250 से 300 करोड़ का जो राशि है वो जमा की जा चुकी है और बाकी 18 महीने के अंदर जमा कर आरडीए कर्जा मुक्त हो जाएगा। इसके साथ ही आइए सुनते हैं आरडीए उपाध्यक्ष ने क्या कुछ कहा। पूर्व विकास प्राधिकरण के द्वारा बहुत जल्दी हम कर्ज मुक्त हो जाएंगे। हमने दो बैंक से कर्ज मुक्त प्राप्त कर लिए हैं और अभी एक बैंक में कर्जा बाकी है, जिसके लिए वन टाइम सेटलमेंट हो चुका है सेंट्रल बैंक से, और 18 महीने के अंदर हम कर्ज मुक्त हो जाएंगे। और अभी तक हमने जो है जो 350 करोड़ का जो कर्ज था, उसमें 150 करोड़ का भी हम जमा कर चुके हैं, बाकी का 18 महीने के अंदर हम जमा कर देंगे और हम रायपुर विकास प्राधिकरण कर्ज मुक्त हो जाएगा।